शरीर में सिर्फ एक कंबल ओढ़कर एक व्यक्ति ट्रेन से हल्द्वानी की तरफ निकलता है, लेकिन टीटी के द्वारा टिकट चेकिंग के समय उस व्यक्ति को ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उस व्यक्ति के पास ट्रेन का टिकट नहीं था। लेकिन जैसे ही टीटी के द्वारा उस व्यक्ति को ट्रेन से बाहर की ओर निकालना और फिर ट्रेन का अचानक बंद हो जाना, ये ट्रेन हिस्ट्री में सबसे बड़ा कौतूहल का विषय था कि आखिर कैसे एक ट्रेन अचानक बंद हो सकती है। टीटी के द्वारा निष्कासित किए गए फिर से उस व्यक्ति के प्रकाश को देखकर टीटी उन्हें फिर से ट्रेन में बैठने को कहते हैं और जैसे ही वह व्यक्ति ट्रेन में बैठता है तो ट्रेन अपने आप ही चलना शुरू कर देती है। हम बात करने जा रहे हैं इसी अनजान व्यक्ति की जो बाद में बाबा नीम करौली के नाम से प्रकाश में आए। बाबा नीम करौली अपने दिव्य चमत्कारों के लिए जाने जाते थे, जिस वजह से वे भारत के जिन स्थानों पर जाते थे वहां वे लोगों की परेशानियों को अपने चमत्कारों से दूर करते थे, जिस वजह से वे भारत के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नाम से जाने जाते थे। लेकिन नीम करौली के नाम से वे सबसे ज्यादा विख्यात थे। जब साल 1961 के समय बाबा नीम करौली नैनीताल आए तो उन्होंने नैनीताल में हनुमान गढ़ी मंदिर की स्थापना करी और कुछ समय वहीं रहने लगे। एक बार अपनी यात्रा के दौरान जब वे भवाली के कैची मार्ग से गुजर रहे थे तब उन्हें कैची जगह इतनी भव्य लगी कि उन्होंने 15 जून 1964 के समय यहां हनुमान भगवान की मूर्ति स्थापित करी और तभी से यह जगह आने वाले कुछ सालों में कैची धाम बन गई। ये पहचान है कैची धाम की, जिसने उत्तराखंड के कई फेमस मंदिरों में से अपनी एक अलग पहचान बनाई, क्योंकि यह मंदिर बाबा नीम करौली के द्वारा स्थापित किया गया था। कैची धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 1400 मीटर है, जहां नैनीताल से यह 22 किलोमीटर दूर स्थित है। कैची नाम की वजह यहां के दो घुमावदार मोड़ हैं, जिनके वजह से इस जगह का नाम कैची रखा गया है, क्योंकि ऊंचाई से देखने में यह कैची के समान दिखाई देते हैं, जिस वजह से इस जगह का नाम कैची रखा गया। जहां बाबा नीम करौली के मंदिर पर इसका नाम कैची धाम पड़ गया। बाबा नीम करौली के इस कैची धाम से ही बाबा नीम करौली संपूर्ण जगत में विख्यात रहे, क्योंकि उन्होंने यहां कई ऐसे दिव्य चमत्कार किए थे जो चमत्कार कोई दिव्य पुरुष या भगवान ही कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नैनीताल मीना यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। बाबा नीम करौली के वैसे तो काफी चमत्कार हैं, लेकिन कहा जाता है कि भंडारे के समय जब मंदिर में घी की कमी पड़ गई थी तब बाबा के आदेश से एक भक्त मंदिर से नीचे बहती हुई नदी से एक कनस्तर पानी भरकर लाया और वह कनस्तर का पानी देखते ही देखते घी में परिवर्तित हो चुका था। यह सब देखकर सभी भक्तजन नतमस्तक हो चुके थे। बाबा का एक भक्त हल्द्वानी की तपती धूप में बाबा से मिलने आ रहा था, तब बाबा ने बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। यह सब आंखों के सामने देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर कैसे एक बादल इंसान के साथ साथ चल सकता है। इसके अलावा नीम करौली बाबा इसी कैची के मंदिर में कई भक्तों के कष्ट और बीमारियां बड़े चमत्कारी रूप से दूर करते थे। बाबा नीम करौली के भक्त सिर्फ भारतीय ही नहीं थे बल्कि अंग्रेज लोग भी थे, क्योंकि इसी मंदिर से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्वता भी मिली थी, इसीलिए अमेरिका से काफी लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपने बिजनेस मॉड्यूल से नाखुश थे तब उन्होंने कैची धाम आकर ही बाबा नीम करौली के आश्रम में कई दिन बिताए थे और यहीं से वापस यूएस में जाकर उन्होंने एप्पल ब्रांड की स्थापना करी। वहीं 2008 के समय जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग अपने बिजनेस मॉड्यूल के लॉस में थे तब स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें यहां आने की सलाह दी थी।
कैची धाम अपनी ऐतिहासिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में अपनी सच्ची श्रद्धा से आता है तो उसकी मांगी हुई विश जरूर पूरी होती है। कैची मंदिर 15 जून 1964 के समय स्थापित हुआ था, इसीलिए 15 जून को यहाँ प्रतिष्ठित दिवस माना जाता है। 15 जून के समय यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तब यहाँ हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करके भक्तजन नैनीताल में स्थित इस भव्य मंदिर कैची धाम में आते हैं। भक्तों की आस्था को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ 15 जून के समय लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है। दोस्तों, आप इस मंदिर में जरूर आइए, क्योंकि यह मंदिर ही नैनीताल का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी समय समय पर आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा के अंग्रेज भक्त आज भी यहाँ आते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। नीम करोली मंदिर रात के समय बेहद खूबसूरत लगता है। तब इसकी चमक को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी बाबा यहाँ विराजते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर से मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।